हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. और प्रिशा हियर. ये बनाया मैंने पैनकेक मम्मा के लिए. मेरा बैटर यहाँ है, ये रहा पैन, और ये बन रही है चाय. और मम्मी कहाँ है? सो मम्मी सो रही है अभी. एक्चुअली आज वीकडे है, लेकिन मैं स्कूल नहीं गई हूँ. सो आई हैव मेड दिस पैनकेक फॉर मम्मा. मेरे को पढ़ाई करनी थी ट्यूशन के टेस्ट के लिए, तो बस ये मैं मम्मा को दूंगी. अभी उठाऊंगी उनको, बोलूँगी ब्रश करके जल्दी से आ जाओ. और ये पैनकेक बनाए, थोड़ा टूट गया है यहाँ से गलती से, अब हो जाता है कभी कभार. तो और अभी उठाऊंगी मम्मी को. उन्होंने अभी को एक्चुअली भेजा था उठा के, तो वो उठ जाती है 5:30 बजे अभी को भेजने के. तो कभी कभार नींद आती है ना उनको, तो सो जाती है फिर से. तो अभी बज रहे हैं 10, तो मैं उनको उठाने जा रही हूँ एंड उनको ये ब्रेकफास्ट दूंगी. और मैं मेरी शक्ल नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं करा. मैं उनके डायरेक्ट ये सब बनाने लग गई. अभी मैं मेरा पैनकेक का बैटर चढ़ाऊँगी थोड़ा ही है, और फिर मैं ब्रश करूँगी और मम्मी को अभी उठा रही हूँ. बाय. सो गाइज, नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए. तो ये वाले बैंगन में लेके आई हुई थी, और ये भरवा बहुत अच्छे लगते हैं. बिल्कुल यूपी स्टाइल में जब बनते हैं ना भरवा, तो बहुत टेस्टी लगते हैं. तो पहले तो मैं इन बैंगन को अच्छे से धो लूँगी, इसके बाद आज आपके साथ मस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी. सो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और ये वाले जो बैंगन है बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं. आप इन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हो. तो यहाँ मैंने भाभी को बिठा रखा है सब काट के देने के लिए. जब तक वो तैयारी करती हैं, तब तक आपको एक बहुत अमेजिंग चीज के बारे में बताती हूँ. हम लोग हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह जरूर लेते हैं, एंड स्पेशली ओमेगा 3 एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि मैं भी काफी ज्यादा यूज करती हूँ, और ये काफी अच्छा होता है. ये सपोर्ट करता है हमारे हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स और इम्यून सिस्टम को. लेकिन हमेशा जब भी हम कुछ ऐसा कुछ बाय करते हैं ना अपने लिए, तो हमेशा हम ब्रांड की तरफ जरूर ध्यान देते हैं. तो जेनिथ न्यूट्रिशन इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड एंड काफी रेप्यूटेटेड ब्रांड है. उनका मेरे हाथ में है ये जेनिथ न्यूट्रिशन वेगन ओमेगा 3 DHA, कार्डियोवास्कुलर ब्रेन एंड नर्वो सिस्टम सपोर्ट, सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ. जी हाँ, ओमेगा 3 ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है. इसके अंदर 90 वेजिटेरियन कैप्सूल्स हैं. सपोर्ट कोलेस्ट्रॉल बैलेंस, ग्रोथ सपोर्ट करेगा. डायटरी सप्लीमेंट है ये, इस तरह की कुछ बॉटल में आता है ये, और काफी अच्छा है. ओमेगा 3 के जो बेनिफिट्स हैं वो तो आप सभी को पता होंगे. कुछ पैकिंग रहता है, और अगर मैं आपको कैप्सूल्स दिखाऊं तो कुछ ऐसे कैप्सूल्स रहते हैं, तो आप इसे जो है कंज्यूम कर सकते हैं. बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अगर चाहें तो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, फिर स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये जो ओमेगा 3 है, ये 100% नेचुरल है, वेजिटेरियन है, GMO फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, डेयरी फ्री है एंड सोय फ्री है. सो ये है जेनिथ न्यूट्रिशन का ओमेगा 3 DHA. ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बहुत सारे तरीके से. प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन टू आईज, मे हेल्प डिक्रीज आईज डिस्कम्फर्ट, एसेंशियल फॉर रेटिनल डेवलपमेंट, सपोर्ट विजन डेवलपमेंट, रेगुलेट्स लुब्रिकेशन ऑफ आईज, यानी कि आईज के लिए भी बहुत ही अच्छा है. इसके अलावा आपके स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. इट हेल्प्स इंप्रूव स्किन बैरियर फंक्शन, मे इंक्रीज स्किन हाइड्रेशन, हेल्प सॉफ्टन रफ एंड ड्राई स्किन, गिव्स स्किन अ सूथ ग्लोइंग अपीयरेंस. इसके अलावा जॉइंट एंड मसल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइज, आप एक बार इसे अपने लाइफ में ऐड करके देखिए. सो ये जो है आपके हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, ब्रेन, जॉइंट्स एंड इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है. मैं इस प्रोडक्ट को हाईली रिकमेंडेड करूँगी, बिकॉज ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है एंड यू कैन ट्रस्ट जेनिथ न्यूट्रिशन ब्रांड. ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है और अमेजन पे इसके काफ़ी रिव्यूज हैं. पर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से आप स्किन के प्रॉब्लम्स देख सकते हो या मूड डिसऑर्डर्स देख सकते हो, तो ये ओवरऑल आपके हेल्थ को सपोर्ट करेगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ दिया है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप चेकआउट जरूर कर लीजिए. और अगर आप बाई करना चाहते हैं, लिंक को क्लिक करके आप बाई भी कर सकते हैं. तो चलिए, इतनी देर में भाभी ने सारी तैयारी कर दी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कटवाया है. तो ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट जो कि कूटा है उन्होंने, 2 से 3 प्याज, हरी मिर्ची के टुकड़े, हरा धनिया और ये बैंगन रखे हुए हैं. अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. तो सिर्फ सूखे मसाले जो है ना, वो इसमें बहुत सारे लगते हैं. बहुत सिंपल है इसको बनाना, वेरी सिंपल रेसिपी बट वेरी टेस्टी. सो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, सबसे पहले सूखे मसालों को मिक्स करेंगे. तो मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, पर मुझे ऐसा लगा इस बर्तन में मैं आपको ठीक से दिखा नहीं पाऊंगी, तो मैं ना इसको चौड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ. तो ये है तीखी वाली लाल मिर्ची, है ना, जो मोटी कुटी हुई है ना, क्या बोलते हैं, चिली फ्लेक्स काइंड ऑफ, ठीक है. ये तीखी लगती है ना, तो तिखास चाहिए ना अंदर. और ये मैं डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्ची, जिससे कि कलर मेंटेन हो, कलर आ जाए अच्छा सा. सो एक चम्मच कश्मीरी मिर्ची, ये आप थोड़ा कम ज़्यादा मसाले अपने हिसाब से कर सकते हो. सो इसके बाद डालेंगे धनिया जीरा पाउडर, ये भी अप्रॉक्सीमेट 1.5 चम्मच जैसा मैंने डाला है. इसके बाद डालेंगे इसके अंदर हल्दी,
तो हल्दी मैंने आधा पौना चम्मच जैसी ली है। हींग डालेंगे, हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। जी हाँ, ये बिल्कुल मिस मत करना, इससे बहुत खट्टा खट्टा सा अचारी बैंगन जैसे बनते हैं, इसे अचारी बैंगन ही कह सकते हैं। और इसमें डाल रही हूँ मैं एक चम्मच जैसा जो मूंगफली दाने का पाउडर होता है ना, वो मेरी सासू माँ जब आई थी मूंगफली दाना सेक के पाउडर बना के गई थी, फ्रिज में रखा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है। हरा धनिया डाल दिया है और एक डेढ़ चम्मच जैसा मैंने इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया, थोड़ा बचा लिया है तड़के के लिए, ठीक है। और आप इसमें चाहें तो आधा चम्मच बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और मूंगफली दाना अगर आपको नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं, चलेगा मूंगफली दाने का पाउडर, ठीक है। और मैंने डाला है नमक। सो सारी चीज़ें अब डाल चुकी हूँ मैं, सारे इंग्रेडिएंट हो गए हैं। तो अब इसको पहले मैं हाथ से मिक्स करूँगी, लेकिन हमें ना थोड़ा सा इसको बाइंड करना है। सो पानी डाल के बाइंडिंग नहीं करना है, पानी की जगह पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, बहुत थोड़ा सा, जिससे मसाला आपस में बाइंड हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि बाइंड नहीं होगा तो सूखा सूखा मुंह में आएगा ना। सो थोड़ा सा तेल डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो बस ये हमारा स्टफिंग हो गया है तैयार। अब बैंगन को चीरा लगा लगा के रख लेना है और भरना स्टार्ट कर देना है अंदर मसाला। और आप इसकी पूरी रेसिपी देखना, क्योंकि अभी हमारी रेसिपी कम्प्लीट नहीं हुई है, तड़के के टाइम पे अलग से एक बढ़िया सा कुछ आपको देखने मिलने वाला है। सो यहाँ मेरे सारे बैंगन भर के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस के ऊपर, और ये बनेंगे सरसों के तेल में। जी हाँ, करेले और बैंगन ये सब जब भरवा बनता है तो सरसों के तेल में सबसे अच्छा लगता है, और सरसों का तेल हमारी हेल्थ के लिए मस्टर्ड ऑयल काफ़ी अच्छा होता है, ये आप ही लोगों ने मुझे बताया है। तो जब तेज़ गर्म हो जाए ना, तेज़ गर्म करना होता है सरसों के तेल को, नहीं तो महक बदबू आती है मतलब उसमें से। तो तेज़ गर्म करके हींग और ज़ीरा डाला, इसके बाद प्याज और हरी मिर्ची के जो टुकड़े थे काट के रखे थे वो डाल दिए। ये तड़के में आप ज़रूर डालना, कुछ लोग बैंगन भर के डायरेक्ट तेल में छोड़ देते हैं तो मज़ा इतना नहीं आता, ये अलग से जब मसाला क्रिएट होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर इसको चलाते रहेंगे, दो से तीन प्याज हैं ये और दो हरी मिर्ची के टुकड़े हैं। और अब यहाँ पे जो मैंने वो बचाया था ना अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, उसको ऐड कर देना है। तो ये एक एक्स्ट्रा पिंच, मतलब क्या बोलूँ, ऐड करेगा रेसिपी में, एक एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड करेगा। सो यहाँ मसाला करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो ये मसाला फीका लगेगा। तो इसमें हल्की सी हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे ताकि ये फीका फीका सा ना लगे और बैंगन के साथ मर्जप हो जाए। और बस बैंगनों को इसके अंदर छोड़ देना है, और अब इस बैंगनों को अच्छे से लपेट देना है इस मसाले में जो हमने प्याज का मसाला भुना है, और बस चला के अच्छे से इसको ढक देना है। और इस बैंगन की खासियत है, जैसे बनने लगता है कलर चेंज कर देता है ये लंबा बैंगन, ये बहुत अच्छी लगती है। और पानी मत डालो, ज़रूरत नहीं है, ये तो थाली में थोड़ा था तो मैंने डाल दिया, मसाला था थोड़ा सा बचा हुआ। सो देखिए थोड़ी सी देर बाद जब मैंने ओपन किया कढ़ाई को चलाने के लिए तो बैंगनों का कलर बदल गया, तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड किया जिससे कि एक बढ़िया कलर मिले, क्योंकि कलर ही चला गया बैंगनों का पूरा। तो इसको चला देंगे, अलट पलट कर देंगे जिससे सब तरफ से बराबर कुक हो जाए। और देखिए ये अब बिल्कुल बनने की तैयारी पे है, ऑलमोस्ट ये बन चुका है। तो इसको अब थोड़ा सा चला के और फिर हम लोग इसको बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, इसको आप अचारी बैंगन कह सकते हो, पराठे के साथ, लंच बॉक्स में, किसी भी तरह से आप इसे खा सकते हो, दाल चावल के साथ बना के फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो। सो यहाँ पे हो गया हमारा बैंगन का रेसिपी कम्प्लीट, इसको मैंने एक डोंगे में ट्रांसफ़र कर दिया। और ये हमारे आज के दाल चावल रोटी और आम रस भी बन रहा है आज, क्योंकि अभी तो आम तो मिल रहे हैं ना, और मैंने तो घर में स्टोर किया आम रस वगैरह, आपको पता ही है फ्रिज में काफ़ी स्टोर कर लिया है। सो ये है आज का हमारा लंच, दाल चावल भरवा बैंगन आम का रस। तो मिलती हूँ आपको आराम से। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बिल्कुल रात सी होने वाली है, 7 बजे हुए हैं, पूरा अंधेरा तो नहीं हुआ है। नाश्ता हमारा जस्ट अभी हुआ है, लेट हुआ है, अभी ट्यूशन से आया, उसके बाद प्रिशा का अभी ट्यूशन से आना बाकी है। और मैंने आज प्रिशा का फ्रॉक पहन लिया हुआ है, मुझे आजकल ना बहुत अच्छा लग रहा है नए नए कपड़े पहनना। मैं अब ऑलमोस्ट हर व्लॉग में आपको बता रही हूँ कि मैं नए कपड़े निकाल निकाल के पहन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं यार हम पहनते नहीं हैं, और एज हो जाएगी फिर हमें हर चीज़ का रिग्रेट होगा। मैं नहीं चाहती मेरे को लाइफ में किसी भी चीज़ का रिग्रेट हो, और यही रीज़न है कि मैं दिल खोल के घूमती हूँ। और जैसे कि लोग कई बार कहते भी हैं कि आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे हो, तो बात तो वैसे उनकी सही है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पहले से, मतलब मैं इस चीज़ को मानती चली आ रही हूँ कि अगर सेविंग करनी ज़रूरी है तो लाइक अगर आपकी इनकम, मतलब आपकी इनकम का अगर आप 50% सेव कर रहे हो ना, और उसके अलावा आप घर चलाने में खर्च कर रहे हो, तो रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट है लाइक 5% 10% आपको अपने ऊपर भी करना चाहिए। क्योंकि हम ये भी नहीं भूल सकते कि लाइफ हमें एक ही बार मिली है, वंस वी हैव गॉट दिस लाइफ, एंड इसके बाद किसी को क्या पता है, मतलब कौन कहाँ जाएगा, आज तक किसी को नहीं पता मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। सो इस ज़िंदगी को क्यों ना
जब तक जान में जान है हम थोड़ा सा जी भी लें, मतलब आई बिलीव इन कि सबको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, जैसे कि सेविंग भी करनी चाहिए, खर्चे भी करने चाहिए, बचाना भी चाहिए एट द सेम टाइम। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अच्छे से कमा रहे हो, लाइक आप सेविंग भी कर रहे हो फिर भी आपका थोड़ा पैसा बच रहा है, फिर आप उसको भी पूरे को बचा लो। नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो थोड़ी बहुत ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। तो ये फ्रॉक कैसा लग रहा है? और ये मेरी ही टॉवल पड़ी है, मैंने अभी रखी नहीं है, मैं आज लेट नहाई थी थोड़ा सा। अच्छा लग रहा है ना फ्रॉक? आपको फिर ट्राईपॉड पर लगा के दिखाती हूँ। प्रिशा और मैं अक्सर हमारे कपड़े एक्सचेंज करते हैं क्योंकि हम दोनों का ऑलमोस्ट साइज एक है, और वैसे भी अब लड़की बड़ी हो गई है, और जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं तो जनरली सभी मदर्स के कपड़े जो है वो शेयर होते हैं, मतलब मदर्स के भी होते हैं और डॉटर्स के भी शेयर होते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, बहुत अच्छी बात है ये। आज भाभी ने बालकनी बहुत अच्छे से साफ़ करी है, मैं इस बालकनी का मेकओवर करना चाहती हूँ लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यार, कुछ चीज़ें छोटी बहुत है इसमें, ये देखो हाथ पूरा लंबा करो बालकनी ख़त्म, ऐसे समझ लो आप। ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है, चाहे वो सॉन्ग सुनना कह लो या खुद को फ्रेश रखना कह लो। पीछे देखिए कपड़े सूखे हुए हैं, वहाँ पे आजकल रखना पड़ता है स्टैंड, क्योंकि यहाँ तो कभी भी बारिश आ जाती है, कुछ ठिकाना ही नहीं है। किचन साफ पड़ी है। ये दूध तुमने गर्म होने रखा था? हाँ जी। उबल उबल के इस दूध की हालत हो गई खराब, देखो ऐसे करते हैं ये, मुझे जरा पसंद नहीं आती इनकी बात। कोई भी काम करो तो पूरा करो बेबी, सुन रहे हो? कोई भी काम करना है तो पूरा बेबी सच बोलेंगे, कह रहे बेबी अभी सच बोलेंगे तो झूठ क्या बोलेंगे? जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, ऐसी मैं मेरी पत्नी की शपथ खाता हूँ। पत्नी की शपथ? विवेक यानी के रुचि का हस्बैंड, कितना एक्सप्लेनेशन देखो फिर, वो चाय बना रहा था तब उसने अपनी पत्नी यानी के आपकी दीदी यानी के रुचि को बोला था कि दूध मैंने रखा है उसका ध्यान रखना, तो बोल के आया था। लेकिन न्यूज देखने आए थे, लेकिन न्यूज छोड़ के वो सुनने लगी सॉन्ग मेरे साथ, जो रोज शाम को सुनती है मेरे साथ, उसने ध्यान नहीं दिया इस चीज का, और मेरा 48 रुपीस का दूध तो कम हो गया। 48 का मैंने 40 का कर दिया, वो 40 का कर दिया, 8 रुपए का पड़ा, चाय में पड़ा तो 35 का कर दिया उसने। चलो तो ये जो मुझे जो खोली पोल मिल गया चैन, बैड मिल गई ठंडक, गाना सुना दो और घुमाने ले चलो। तनी गायन तो नहीं सुनेंगे अभी, तो गायन बहुत सुना दी हम उसको, आते आते हर महीने आपको अपडेट मिलते रहेंगे, दिवाली का अपडेट भी मिलेंगे आपको 2-3 महीने के बाद। अभी से दिवाली की बात है? हाँ, अभी दिवाली में थोड़ा अपडेट दे देंगे हम आपको, मतलब ये ना कुछ प्लान कर रहे हैं, अब वो आपको टाइम पे ही पता चलेगा कि टेम पे, टेम भी बता देंगे क्या प्लान कर रहे हैं कुछ। हाँ। इनकी प्लानिंग है जबरदस्त वाली, वो आपको धीरे रह के पता चलेगी। और आजकल मैं तुम्हें फ्रॉक में कैसे लग रही हूँ? फराक, अच्छा फराक कहते हैं ये फ्रॉक को, फराक कहते हैं, देखो टेस्ट इन गुजराती, इन गुजराती बोर्ड होते हैं ना बोर्ड जो रोड जो गुजराती में थोड़े जो सिंपल लोग होते हैं ना, सिंपल पीपल जो पढ़े लिखे कम होते हैं, ये फराक बोलते हैं। आपसे और शेयर करनी है, मेरी जो पीछे की जो लाइफ है ना, जिससे मैंने आपको कई सारे ब्लॉग में बोला भी है कि मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आप क्या चाहते हो, मैं अकेले बैठ के शेयर करूँ या इनके साथ बैठ के शेयर करूँ? कमेंट बॉक्स में भेजिए क्या लिख के, तो हम फिर उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। या तो मैं अकेले बैठ के बनाऊंगी जब जब ये मेरी लाइफ में आए, वहां से फिर इनके साथ बनाऊंगी। जब तक ये मेरी लाइफ में नहीं आए और उससे पहले मेरे साथ जो गुजरी है। आई हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके, ये सॉन्ग का भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, गजनी का सॉन्ग भी। और आज हम वो वीडियो बनाने से पहले आपसे सबसे पहले आज हम दोनों माफी मांग लेते हैं कि हमने 4 साल तक इतनी सारी बातें छुपाई आपसे। छुपाई तो नहीं है, नहीं हम कंफर्टेबल भी नहीं थे ना, हम कंफर्टेबल नहीं थे, और 1.5-2 साल तो आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है, तब हम सोच रहे थे उन दिनों बताने, तब हम सोच रहे थे, लेकिन अचानक ये प्रॉब्लम्स हुआ मेरे लाइफ में, आपको पता है सबको पता है, तो अब हम बताएंगे। और हम नहीं चाहते थे एक्चुअली बताने का, आप सोचोगे इतने टाइम क्योंकि आपसे छुपाना ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग के वजह से हम है। हाँ, जो भी आज हम जो भी है ना, आप एक परिवार हो हमारे लिए, और
मतलब सारी जिंदगी थोड़ी ये चैनल झूठ बता के, मतलब ये जो अभी है ये तो सच है, जो आप देख रहे हो वो कुछ झूठ नहीं है, लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ है वो पास्ट आज से भी रिलेटेड है, कुछ चीजें आज से रिलेटेड है, जब हम आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे रिलेटेड है वो चीजें आज से। सो हमारा जो प्रेजेंट है उसमें कुछ पास्ट का असर है, कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं लगता कि मेरी यूट्यूब फैमिली से पूरे लाइफ टाइम छुपी रहनी चाहिए, मतलब ये तो गलत हो जाएगा ना, मतलब मुझे खुद को लगने लगा है कि ये गलत है कि मैंने इतने साल तक नहीं बताया। ठीक है, स्टार्टिंग में हर कोई शर्माता है, नहीं बताना चाहता, ये भी कंफर्टेबल नहीं थे, प्रिशा भी नहीं थी, अभी मैं भी नहीं थी। आप लोग के साथ हम लोग कंफर्टेबल हो गए हैं, हमें लगता कि हमारा एक परिवार है और हमारा परिवार देख लिया आप लोग ही है, बाकी सब तो ठीक है। अभी जो है झूठ है, सच है तो सिर्फ आप ही लोग हो, बाकी सब मिथ्या है, क्योंकि आप लोग ने हमारा बहुत साथ दिया है, सुख दुख में खड़े रहे हो, सुख में खड़े रहे। विवेक के टाइम पे तो मैंने देख लिया कि मेरे आप लोग ही काम लगे हैं, घर वाले भी काम नहीं आए उस टाइम पे, इनके घर वाले तो नहीं आए थे। हाँ, मेरी सास और मेरे ससुर काम लगे थे मुझे। हाँ, वो लोग आए थे, जो सच बात है वही। तो हम लोग जल्दी शेयर करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं अकेले बैठ के शेयर करूँ। पहले ये अकेली बोलेंगी, फिर जब मेरी एंट्री होगी उसके लाइफ में तब मैं आऊंगा। पकड़ के खड़ा होना ये मेरा हाथ दुख रहा है। तो मैं कैसे पकड़ती हूँ, सोचा आपने रोज ब्लॉगिंग करती, तो आप अपनी दीदी से बात कीजिए। अच्छा ठीक है, तो हाँ एक चीज आपको बोलनी है, फिर मैं यहाँ पे बातचीत एंड कर रही हूँ क्योंकि फिर हम बाहर जा रहे हैं। हमारी अधूरी कहानी जो अब हम पूरी करेंगे। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमने एक्चुअली अधूरी छोड़ी थी आपके सामने, सॉरी, कान पकड़ के माफी मांगते हैं। हमारी पुरानी जिंदगी के पन्ने पलटते हैं और आपके सामने खोलते हैं नेक्स्ट व्लॉग से। सो चलो बाहर चलते हैं, अब प्रिशा को लेना है, चलो थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। काजल लगाते ही देखिए लुक बदल गया है, फ्रॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को पसंद है ना तो आप मीशो पे ढूंढ सकते हो, ये मैंने मीशो से बाय किया था, ये पूरा जॉर्जेट और क्या बोलूँ सिंथेटिक मटेरियल है, बट अच्छा लग रहा है। अरे जल्दी करो कि बाहर अंधेरा हो गया है और टाइम हो गया है 7:30 बजे का, बच्ची का फोन आ गया है। चलता है, चलो वो ले लो, मैं लॉक ले लूँ, ये एक बता, एक लाइट ऑन कर। सो हम लोग निकल गए थे बाहर, बस थोड़े बहुत काम भी थे, शाम को कुछ ना कुछ काम तो एवरीडे का हो ही जाता है, रास्ते में सब्जियां दिख जाती हैं तो मुझसे लिए बिना रहा नहीं जाता है, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल रोज़ आ जाती हैं तो अच्छा भी लगता है, ज़्यादा देर फ्रिज में रखी हुई सब्जियां अच्छी भी नहीं होती। तो यहाँ मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया, मानसून की दस्तक हो चुकी है। घर पर अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, इन्होंने ना आने के बाद बनाई है तिंदोड़े की सब्जी, भाभी काट के गई थी, अब इन्होंने सब्जी में तेल या तेल में सब्जी बना डाली है, लेकिन बनाई हो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ पर बनाई बहुत, और कुरकुरी बनाई है देखो, लेकिन आप ये देखो तेल कितना डाला था बंदे ने, कल यूज कर देंगे खाने में, क्या फर्क पड़ता है। हाँ मैं तो मजाक कर रही हूँ, एटलीस्ट आपने काम तो किया, मैंने काम किया, दोस्तों बैठ के आराम किया ना, एडिटिंग किया ना, एडिटिंग किया आने के बाद, तो इन्होंने सब्जी बना दी है। तेरा मेरा साथ रहे, गाना गा रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं। तो हम लोग खाने वाले हैं ये तिंदोड़े की सब्जी, रोटी, और दिन में मैंने खिचड़ी कड़ी बनाई थी थोड़ी सी, वो भी बची हुई है यहाँ पे, खिचड़ी है काफ़ी हमारी, खिचड़ी थोड़ी सी बची हुई, इसमें क्या है, इसमें दूध है, कड़ी आई थी यहाँ पे, ये थोड़ी ही है। तो ये सब्जी के साथ रोटियाँ हैं, और अभी क्या हुआ, अभी नीचे गया था अपने फ्रेंड्स के पास, मैंने प्रिशा को बोला कि जाके बुला ला अभी को, तो ये भी वहीं बैठ गई, 15-20 मिनट हो गए, अब विवेक कपड़े चेंज करके जा रहे हैं, मतलब ये वो थे ना बनियान में और उसमें थे शॉर्ट्स में, तुम बुला लो फिर बच्चों को। मेरा फोन लेके या फोन कर लो, आपका फोन लेके गई है, ठीक है हम बुला लेते हैं, चलो बच्चों को बुलाते हैं। और हाँ मैंने आते हुए सब्जियां खरीदी हैं खूब सारी, आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ, फ्रूट्स भी लिए हैं खूब सारे, और फ्रूट्स लेने के बाद जैसे ही हमारे घर में फ्रूट्स या कोई भी ऐसी चीज़ आती है ना, सबसे पहले हमारे गन्नू पापा के पास रखी जाती है, तो इन्होंने विवेक ने यहाँ पे देखिए खुद अपने हाथों से यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं सारे, पैर बोलते हैं ना इसे विवेक, नाशपाती प्लम और खजूर भी लाई हूँ मैं यहाँ पे, ग्रीन खजूर, वो फ्रेश खजूर बोलते हैं ना, वो मिलते हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ, वो भी लेके आई हूँ मैं आज। ये आई हैं पालक, ये रहे फ्रूट्स, निकाल लेती हूँ पहले कहीं ख़राब ना हो जाए। ये अंदर धनिया है, कैप्सिकम है, पैर है यानी नाशपाती,
और 100 रुपये की 5 नाशपाती ऐसी मुझे मिली हैं, और नींबू ये वाले मिल गए मुझे, ये वाले नींबू बहुत पसंद है, ये वाले तो ये मिल गए, तो मैं ये लेके आई हूँ। ये देसी नींबू है, इनका जूस भी अच्छा निकलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। पालक लिया प्रिशा को, पालक पनीर, पापा के हाथ का खाना है कह रही है मुझे, पापा के हाथ का खाना है मम्मी। और कैप्सिकम ये लाइए, और कैरेट भी लाइए, ये अंदर है। और खजूर लाए हैं हम लोग, ये खजूर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये रहे ग्रीन खजूर, मतलब ग्रीन खजूर से मतलब है फ्रेश खजूर। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, और ये खूब मीठे मीठे लगते हैं, फ्रेश खजूर है। पैर और बनाना ऑलरेडी घर में है, और प्लम, इतने फ्रूट्स मैं लेके आई हूँ आज बाहर से। और इसके अलावा ये सब्ज़ियाँ अब मैं भर देती हूँ फ्रिज में, और आपको मिलते हैं अब हम लोग सुबह में। ये मैं एक उसमें निकाल देती हूँ, वाटके में मतलब कटोरे में, तेल को अलग कर देती हूँ कल की सब्ज़ी में। लेकिन ये बनी कुरकुरी है, बहुत अच्छी लग रही है। इन्होंने ना आज इसमें ना लहसुन डाला है ना कुछ, लेकिन ये देखो कुरकुरा बना दिया इन्होंने। टेस्टी वन, अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट करते तो है ना, मैं तो मजाक कर रही थी भाई, वो करते हैं वही बड़ी बात है कि मुझे बैठने मिलता है और वो काम कर लेते हैं। चलो मैं सब्जियां भरती हूँ, आपको मिलती हूँ अब मैं कल मॉर्निंग में।